हेलो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट युवराज सिंह, जिन्होंने साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप और 2011 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह सब एक ऐसे समय में जब वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी अचीवमेंट्स को अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं युवराज सिंह की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं 2020 वर्ल्ड कप 2007। इस टूर्नामेंट में युवराज सिंह इंडियन टीम के वाइस कैप्टन थे। उनका सबसे यादगार परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज मैच में आया। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस फेमस 6 छक्कों की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब क्यों हुआ? दरअसल इसकी वजह थी युवराज और फ्लिंटॉफ के बीच हुई एक तकरार। 18वें ओवर के बाद बाउंड्री की तरफ जाते हुए फ्लिंटॉफ ने युवराज से कहा था, "Those were ridiculous shots." इस पर युवराज ने एग्रेसिव तरीके से जवाब दिया। अगले ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड गेंदबाजी करने आए और फिर क्या था, युवराज ने इतिहास रच दिया। एक ओवर में 6 छक्के मारकर T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बन गए। फ्लिंटॉफ ने जो भी कहा हो, लेकिन उन्होंने दुनिया को एक बात सिखा दी, इंडियंस के साथ पंगा लेना ठीक नहीं। लेकिन युवराज का जलवा यही नहीं रुका। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 30 बॉल्स में 70 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 188 रन बनाए। इस शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 15 रन से हराया और युवराज मैन ऑफ द मैच बने। हालांकि 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में युवराज कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनका ओवरऑल योगदान भारत की जीत में बहुत महत्वपूर्ण रहा। पूरे टूर्नामेंट में उनके एक्सप्लोसिव बैटिंग और की मोमेंट्स में दिए गए परफॉर्मेंसेस ने टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया। उनकी प्रेजेंस ने युवा टीम को एक मजबूत नींव दी, जिस पर खड़े होकर भारत ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। अगर आप युवराज की कहानी से प्रेरित हो रहे हैं, उनका शुरुआत से क्रिकेट का सफर के बारे में वीडियो चाहते हैं, तो कृपया कॉमेंट में युवराज लिखे। चलिए इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं 2011 के एक दिवसीय वर्ल्ड कप की बात पर, जिसका भारत 28 सालों से इंतजार कर रहा था। इस टूर्नामेंट में युवराज का प्रदर्शन और भी शानदार रहा। उन्होंने 362 रन बनाए, जिसका एवरेज शॉट था 90.50 और 15 विकेट्स ली। वे इस वर्ल्ड कप में चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इन शानदार प्रदर्शनों के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। टूर्नामेंट की शुरुआत में ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 गेंदों में 58 रन की तूफानी पारी खेली। लेकिन उनका सबसे यादगार प्रदर्शन आयरलैंड के खिलाफ आया, जहां उन्होंने 75 गेंदों में 50 रन बनाने के साथ साथ 5 विकेट्स भी ली। ये एक वर्ल्ड कप मैच में ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बने और मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीता। नीदरलैंड्स के खिलाफ भी उन्होंने अपना जलवा दिखाया, 2 विकेट्स लेने के साथ साथ 51 रन बनाए और फिर से मैन ऑफ द मैच बने। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उन्होंने 113 रन की शानदार पारी खेली और 2 महत्वपूर्ण विकेट्स भी ली, जिसमें एंड्रे रसल और डीवन थॉमस शामिल थे। इस प्रदर्शन के लिए भी उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण पारी क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई। इस मैच में उन्होंने न सिर्फ 2 महत्वपूर्ण विकेट्स ली, ब्रैड हेडिन को 53 रन पर और माइकल क्लार्क को सिर्फ 8 रन पर आउट किया, बल्कि 65 गेंदों में 57 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को 261 रन का टारगेट चेस करने में मदद की। ये परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के लंबे समय से चले आ रहे वर्ल्ड कप डोमिनेंस को खत्म करने में अहम रहा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट्स ली, असद शाफिक और यूनिस खान को आउट किया, जिससे पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई और भारत फाइनल में पहुंच गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 2 अप्रैल 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। श्रीलंका के खिलाफ युवराज ने अपना जादू जारी रखा। उन्होंने श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा को 48 रन पर आउट किया, जो उस दिन बहुत खतरनाक खेल रहे थे। बल्लेबाजी में उन्होंने MS धोनी के साथ मिलकर अंतिम 21 रन बनाए और भारत को जीत दिलाई। जब MS धोनी ने वो विजयी छक्का मारा, तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन शायद ही किसी को पता था कि इस जीत के पीछे एक खिलाड़ी की कितनी बड़ी कुर्बानी छिपी थी। युवराज के वर्ल्ड कप जीतने के पीछे भी एक दर्दनाक सच्चाई छिपी थी। टूर्नामेंट के दौरान ही युवराज को पता चल गया था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। सिर्फ उनके करीबी दोस्त हरभजन सिंह को इसका पता था। हरभजन चाहते थे कि वो यह बात टीम मैनेजमेंट को बताए, लेकिन युवराज ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूँ, यह मेरा सपना है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। युवराज सिंह ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना अपने देश के लिए खेला और जीत दिलाई। युवराज ने अपनी कैंसर की कहानी एक इंटरव्यू में बताई थी, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। आई रिमेम्बर कि मेरी सेहत काफी खराब होती गई, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। डॉक्टर ने बोला, बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। मैंने कहा, स्कैन वैन क्या करना है?
खून ही आ रहा है मुझे, क्या हो गया? खेलना है इंडिया के लिए जाके। वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें बताया गया कि आपको रेयर फॉर्म ऑफ जर्म सेल कैंसर है। क्रिकेटर युवराज सिंह की कीमोथेरेपी हुई है। युवराज का अमेरिका में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि युवराज के बाएं फेफड़े और दिल के बीच ट्यूमर है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वापसी करके फिर से क्रिकेट खेली। अफसोस की बात है कि इतना कुछ करने के बावजूद युवराज के योगदान को अक्सर कम आंका जाता है। यहाँ तक कि उनके साथी खिलाड़ी गौतम गंभीर ने भी इस बात पर नाराजगी जताई है कि युवराज के 2011 के वर्ल्ड कप में मिले मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड की चर्चा बहुत कम होती है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स युवराज सिंह की तारीफ करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं ये लेजेंड्स। युवराज सिंह इज द ग्रेटेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। Journey has been good, fantastic. It's good to have players like you. The job becomes much more easier. I think one of the legend from India ne jo produce kiya hai, Yuvraj ka naam bahut der tak aur dur tak liya jayega. Ek ek kathra apne mulk ke naam isne lagaya hai. To dosto, yeh thi kahani Yuvraj Singh ki, jinhone apne desh ke liye do World Cup jeetne mein madad ki. Unki kahani hame sikhati hai ki kabhi haar na mane aur apne lakshya ke liye puri mehnat kare, chahe paristhitiyan कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको युवराज सिंह का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा याद है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा।